पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के यूजीसी एकेडमी स्टाफ के कर्मचारियों का पिछले 7 माह से वेतन न मिलने के कारण यहां के कर्मचारी पिछले 2 दिनों से कार्य बहिष्कार कर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कम से कम 5 माह का वेतन यथाशीघ्र दिया जाए, तभी वह हड़ताल को समाप्त करेंगे। धरने के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सिंह, ब्रिजभूषण, सरिता त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, सुधाकर मिश्रा सहित कर्मचारी संघ के कई सदस्य व यूजीसी एकेडमी स्टाफ के कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूजीसी एकेडमी स्टाफ कॉलेज की कर्मचारी सरिता त्रिपाठी ने कहा, कि तनख्वाह को लेकर के, तनख्वाह तो हम लोग को 7 महीना हो गया ना मिलने में, लेकिन हम लोग 5 महीने की मांग किए हुए हैं कि 5 महीने की तनख्वाह हम लोगों को दे दी जाए। तो कुलपति जी कल आश्वासन दिए 2 महीने का कर दिए हैं, लेकिन हम लोग 5 महीने के लिए मांग लेकर के बैठे हैं और जब तक 5 महीने का नहीं होगा तब तक हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। आज तो कोई नहीं आया अभी तक। हाँ, कल वही कुलपति जी आए हुए थे तो ये बात बोले कि 2 महीने का हम लिख दिए हैं और हो सकता है कि अभी हम बात करके निदेशक महोदय से फिर बात करते हैं, हो सकता है 5 महीने का हो जाए। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हर महीने का बच्चों का फीस है और LIC है, यहाँ तक कि हम एक बैंक में लोन लेने के लिए गए, बैंक लोन देने से भी मना कर दिया, कहा कि आपके खाते में 6-7 महीने से एक भी पैसे ही नहीं आया है तो आपको लोन कैसे दिया जाए। जी ने कहा है कि 2-3 महीने का मिल जाएगा जी, नहीं नहीं, अब हम लोग 5 महीने के हमें 5 महीने का तो चाहिए ही, इसलिए 2-3 महीने इतने दिन हो गया, हम लोग का उतना काम ही नहीं चलेगा तुरंत। 5 महीने अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ हम लोग का काम हो सकता, बाकी जब फिर आएगी ग्रांट तो मिलेगी।